जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजर्षि क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सीटेट है उसकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ चुकी है। तो आप सभी लोग, जितने लोग भी पेपर दे चुके हैं, अब वो अपने आंसर्स को उसके साथ मैच कर सकते हैं, रिस्पांस की का जो है प्रोविजनल आंसर की के साथ मैच करके। तो क्या है पूरी प्रक्रिया, पूरे स्टेप्स क्या है, किस प्रकार से हम डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में आपको यहाँ पर मैं पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताने वाली हूँ, ठीक, कि कैसे हम उसको डाउनलोड करेंगे अगर आपको प्रॉब्लम आ है और बहुत सारे चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कहीं कहीं अगर ऑप्शन 9 दिखा रहा है तो उसका क्या मतलब है। इसके साथ ही जो P1 P2 P3 है, लैंग्वेज में जो बार बार बच्चे गलती कर रहे हैं कि लैंग्वेज में जो आपको चेक करने वाला है उसमें कंफ्यूजन है, तो ये सभी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप राजर्षि क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी ध्यान से जरूर प्रेस कर दें, और अगर आपको ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जो सीटेट है, जब हमने उसके बारे में बताया था कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसमें हमने बताया था कि 14 और 15 फेब तक इसकी रिस्पॉन्स की आ जाएगी, और उसकी काफ़ी चांसेस भी अच्छा था। इसी कारण से आप देख सकते हैं कि आज आपका 14 फेब है और रिस्पॉन्स की जो आपकी आंसर की है वो आ चुकी है। तो इसके साथ ही जो अगर रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट आप मान के चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो आइए देखिए, जितने भी लर्नर्स अब तक मैक्सिमम लोगों ने मिला लिया होगा और जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो ये आपका है आंसर की फॉर सीटेट। यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। पहले तो ये जो प्रोविजनल आंसर की है कि जो आपको दिखाई गई है, प्रोविजनल दैट मीन्स कि जो आपको लाया गया है, जो आपको 167 पेजेस का PDF आपको मिला है, नहीं मिला है तो अभी मैं बताऊँगी कि आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सीटेट की वेबसाइट से। वहाँ पर दिया हुआ है 167 पेजेस का जो ये है, इसमें ये बताया कि कौन कौन से आंसर्स राइट हैं, ठीक। मतलब ये क्या है, ये सीटेट वालों की तरफ से वो आंसर की है कि जिसमें हर एक क्वेश्चन के सही सही आंसर्स दिखाए गए हैं। चूंकि आपको पता है कि 28 दिसंबर से जो आपका पेपर स्टार्ट था, तो पेपर आपका तकरीबन एक महीने से ऊपर चला, तो इसलिए हर एक शिफ्ट के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए, तो इसलिए थोड़ा लेंदी है। तो आप अपने डेट के अकॉर्डिंग, जिस दिन आपका पेपर था उस डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर्स देखने को मिलेंगे, ठीक। तो पहली चीज़ ये आपको क्या करना है, PDF को डाउनलोड करना है, पहली चीज़। दूसरी जो है, आपने जितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है 100 में, जितने क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है 150 में, अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो है वो आप कहाँ से देख सकते हैं, अपने सीटेट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर आप अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा लॉगिन करने के बाद रिस्पॉन्स की। अब आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं, तो देखिए जब आप लॉगिन करने जाएंगे इसको, तो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड पूछेगा। अगर आपको नहीं भी याद है तो फॉरगेट का ऑप्शन दे रहा है एप्लीकेशन पे भी और पासवर्ड पे भी, तो वहां से आप फिर एक OTP लेकर के आप इसको क्रिएट कर सकते हैं दोबारा से, और अपने रिस्पॉन्स की को से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसको किसके साथ मैच करना है। तो ये है आपकी रिस्पॉन्स की, दैट मीन्स वो आंसर्स हैं इसमें जो आपने जो है ऑनलाइन मोड पे जो पेपर दिया था उसमें फिल करा है, ये आपकी वो रिस्पॉन्स की है। और आपको इसको किसके साथ मैच करना है, इस प्रोविजनल आंसर की के साथ कि जो सही इन्होंने बताया है उसके साथ, ठीक। तो आपने इतना कर लिया होगा मैं ये उम्मीद करती हूँ। अब इसके बाद जो है कुछ ऑप्शंस में ऑप्शन 9 लिखा हुआ दिया, जैसे 1, 2, 3 लिखता है उसी प्रकार से 9 लिखा हुआ आ रहा है। तो 9 का मतलब ये है कि उस क्वेश्चन में भी क्लैरिटी कम है, तो ये अभी आप मान के चलिए कि जब ऑप्शन 9 वो लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो मार्क्स सभी बच्चों को मिलेगा, चाहे किसी ने सही लगाया है या गलत लगाया है, वो आंसर जो है उसके मार्क्स सभी बच्चों में दिए जाएंगे, ठीक। जब आप इसको चेक करेंगे तो इसमें आपको ये भी ध्यान देना है, शिफ्ट को ध्यान देना है कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था कि इवनिंग शिफ्ट का पेपर था, पेपर 1 है कि पेपर 2 है, इसको भी आपको ध्यान दे करके यहाँ पर करना है। अब बात करते हैं चैलेंज की, कि आप अगर चैलेंज की डेट आपकी 17 तक दी गई है, आज आपकी 14 है, 16 या 17 तक आई थिंक चैलेंज की डेट है, कि अगर आपको लगता है कि कोई आंसर जो है वो गलत दिलाया गया है, आपने सही टिक किया है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए कॉस्ट भी है, 1000 रुपीज़ की कॉस्ट आपसे ली जाएगी, ठीक।
बट चैलेंज के केस में एक चीज़ याद रखिए कि बहुत कम चांसेस हैं कि आपके आंसर करेक्ट हो पाएंगे, एक दो नंबर बहुत मुश्किल से ही बढ़ता है, रेयर चांस है केस है, क्योंकि ये लोग खुद ऑथेंटिक होकर के ही उस आंसर को मार देते हैं आपको जो आपके सामने प्रोविजनल आंसर की रखते हैं। तो अगर आपको लगता है आपका आंसर सही है तो आपके पास एक ऑथेंटिक सोर्स भी होना चाहिए उस आंसर को दिखाने के लिए। जैसा ये लोग एनसीईआरटी को बहुत मानते हैं, तो अगर एनसीईआरटी में वो चीज़ दिया है तब तो बेस्ट है कि आप उस चीज़ को चैलेंज करिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। 1000 रुपये आप देंगे बट फायदा कुछ भी नहीं होगा। इन केस अगर मार्क्स आपको मिलते हैं उसके बाद आप सही प्रूफ होते तो आपके 1000 रुपये रिफंड भी हो जाते हैं, बट इसका कुछ उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है चैलेंज का। ठीक, ये चीज़। अब आते हैं जो P1, P2, P3 लैंग्वेज वाले सेक्शन में जो प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सबको पता होगा क्वेश्चन नंबर 1 से 30, जो पहला 1 to 30 क्वेश्चन है, वो P1 जो लिखा हुआ है वो किसके लिए है, आपके CDP, जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये उसकी बात कर रहा है। कौन सा P1? जो आपका P1 है दैट बिलोंग्स टू CDP। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 to 60 जो सेकेंड पोर्शन है वो मैथमेटिक्स के लिए है, किसके लिए है, मैथमेटिक्स। तो P1 CDP का है, P2 आप मैथमेटिक्स में जाकर देखेंगे, फिर से मॉर्निंग शिफ्ट में है कि इवनिंग शिफ्ट में है वो देखेंगे, प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करेंगे और लॉगिन करके अपने रिस्पॉन्स की को डाउनलोड करेंगे और इसको ये जो PDF है इसके साथ मैच करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो P1 हो गया, P2 मैथमेटिक्स, P3 आपके EVS के लिए है, क्वेश्चन नंबर 61 to 90 ये पेपर 1 का है। किसका है? पेपर 1 का। अब जब लैंग्वेज की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे लर्नर्स को कन्फ्यूजन है, देखिए पहला वाला जो आपका दिया है P4 और P5, जैसे दो आपको दिया होगा, तो पहला जो P4 P5 है वो इन बच्चों के लिए है जिनका लैंग्वेज 1 क्या है, इंग्लिश। लैंग्वेज 1 जिन बच्चों ने इंग्लिश लिया था उनका पहला P4 है और दूसरा वाला P5 हिंदी का है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 91 to 120 उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भरा था उनका P4 है, जिन बच्चों ने लैंग्वेज 2 में हिंदी भरा था उनका क्वेश्चन नंबर 121 to 150 है जिसको P5 कहते हैं, P5 से। ठीक, और जिन बच्चों का पहला लैंग्वेज हिंदी था उनके लिए जो नीचे ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है P4 वो हिंदी का पहला है जो क्वेश्चन नंबर 91 to 120 जाएगा, और P5 इनका हिंदी इंग्लिश के लिए होगा जो क्वेश्चन नंबर 121 to 150 होगा। तो ये आपको इतना और प्रोविजनल आंसर की आपको किसके साथ मैच करना है, तो आपको रिस्पॉन्स की के साथ मैच करना है। ठीक, आपको काफ़ी इजी स्टेप है, P1 आपका CDP है, P2 आपका मैथमेटिक्स है, P3 EVS है। अगर पहली लैंग्वेज इंग्लिश है तो सबसे पहला जो आपका लिखा रहेगा P4 P5 वो इंग्लिश हिंदी, अगर हिंदी पहली लैंग्वेज है तो नीचे वाला P4 P5 आपके लिए है। ये कुछ कॉमन रहा, सीटेट की वेबसाइट से जाके आप लॉगिन करके दोनों चीजों को वहां से ले सकते हैं और अपनी आंसर की को मैच कर सकते हैं। क्लियर, तो आई होप कि जो आपके डाउट्स थे इससे रिलेटेड वो आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों।